नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय महिला टीम के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज महिला टी20 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। कभी ये मैच ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रहा था तो कभी भारत की ओर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज महिला टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया से हुआ। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेन लेनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिसा हेली और बेथ मूनी ओपनिंग करने उतरे और दोनों ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा के रख दिया था। एलिसा हेली और बेथ मूनी के बीच पहले विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी भी हो गई थी, लेकिन फिर 8वें ओवर में भारत को पहली सफलता हाथ लगी। राधा यादव ने साझेदारी को तोड़ दिया और एलिसा हेली को 25 रन पर आउट कर दिया। हालांकि मूनी टिकी रही और उनको कप्तान लेनिंग का भी अच्छा साथ मिला। मूनी ने अर्धशतक की पारी खेली और 54 रन बनाकर आउट हुई। उनका विकेट शिखा पांडे ने झटका। इसके बाद एशले गार्डनर और मेन लेनिंग ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को धोना शुरू किया। इसी बीच भारत के फील्डर्स ने 2 आसान कैच भी ड्रॉप करे जो कि उनको काफी भारी पड़े। एशले गार्डनर 31 रन बनाकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गई, लेकिन कप्तान मेनिंग अंत तक टिकी रही और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 170 रनों के पार लेकर गई। इस तरह पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 172 रन बनाए। मेन लेनिंग 34 गेंदों में 49 रन बनाकर नाबाद रही। वहीं भारतीय टीम के लिए शिखा पांडे ने सबसे ज्यादा 2 विकेट निकाले। वहीं दीप्ति शर्मा और राधा यादव ने 1-1 विकेट निकाला। अब भारत को 173 रनों का लक्ष्य मिला था और महिला क्रिकेट के हिसाब से ये लक्ष्य काफी बड़ा था। ऊपर से सेमीफाइनल का प्रेशर अलग। इस लक्ष्य को पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ओवर में तो स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा ने 10 रन बटोरकर एक अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन दूसरे ओवर से पूरा मैच ही पलट गया। पहले शेफाली वर्मा दूसरे ओवर में मेगन शूट की गेंद पर LBW आउट हो गए, वो सिर्फ 9 रन ही बना पाए। वहीं फिर तीसरे ओवर में एशले गार्डनर ने भारत को सबसे बड़ा झटका दिया। उन्होंने स्मृति मंदाना को LBW आउट कर दिया। मंदाना सिर्फ 2 रन ही बना पाए। इसके बाद जेमिमा रॉड्रिक्स और यास्तिका भाटिया पारी को संभालते हुए दिख रहे थे, लेकिन फिर चौथे ओवर में भारत को तीसरा झटका भी लग गया। यास्तिका भाटिया और जेमिमा रॉड्रिक्स के बीच रन लेने के चक्कर में कंफ्यूजन हो गई और यास्तिका रन आउट हो गए। वे 7 गेंदों पर 4 रन ही बना पाए। 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 33 रन था। यहां पर अब भारत का जीतना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि सामने 173 रनों का विशाल लक्ष्य था और भारत के 3 विकेट 4 ओवर के अंदर ही गिर चुके थे। लेकिन फिर इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिक्स ने मैच को पूरी तरह पलट दिया। दोनों ने दबाव खुद पर आने नहीं दिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। जेमिमा ने आते ही लगातार 2 चौके जड़ दिए। वहीं हरमनप्रीत भी कहां पीछे हटने वाली थी, उन्होंने भी आते ही 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। दोनों ने बता दिया कि वो हार नहीं मानेंगे और अंत तक लड़ाई करेंगे। दोनों हर ओवर में 1 छक्का नहीं तो 1 चौका तो जड़ ही रहे थे और रन रेट को बनाए रखने के लिए दोनों बल्लेबाज काफी मेहनत कर रहे थे। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम दबाव में आ गई थी और उनके चेहरे पर यह साफ नजर आ रहा था। देखते देखते हरमनप्रीत और जेमिमा के बीच तूफानी अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद भी दोनों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और अब ऐसा लग रहा था कि मैच भारत आसानी से जीत जाएगी, लेकिन फिर भारत को 11वें ओवर में 4th झटका लग गया। अच्छी बल्लेबाजी कर रही जेमिमा रॉड्रिक्स 24 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गई। उन्हें डार्सी ब्राउन ने आउट किया। अपनी पारी में जेमिमा ने 6 चौके लगाए। उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर 41 गेंदों में 69 रनों की साझेदारी निभाई। 11वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 98 रन हो गया था। हालांकि इसके बाद हरमनप्रीत कौर को ऋचा घोष का अच्छा साथ मिला और दोनों ने एक बार फिर भारतीय पारी को पटरी पर ला दिया था। ऋचा घोष सिंगल लेकर हरमनप्रीत कौर को स्ट्राइक दे रही थी और हरमन तेजी से रन बटोर रही थी। हरमन ने लगातार 2 चौके जड़कर सिर्फ 32 गेंदों में ही अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। हरमन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत की दहलीज तक भी पहुंचा दिया था, लेकिन फिर 15वें ओवर में भारत को 5वां झटका लग गया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपना विकेट गंवा दिया। हरमन जब दूसरा रन लेने के लिए गई तब उसके पास समय था और उन्होंने बल्ले को स्लाइड करने की कोशिश की, लेकिन बल्ला अटक गया और वो क्रीज पर समय पर नहीं पहुंच पाई। 34 गेंदों में कप्तान कौर ने 52 रनों की पारी खेली और ये विकेट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद भारत पर दबाव आ गया था और इस दबाव में ऋचा घोष भी 17 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गई। यहां से दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा मैच को अंतिम ओवर तक लेकर गए, लेकिन 19वें ओवर में स्नेह राणा आउट हो गई। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी और मैच बेहद ही रोमांचक हो गया था। सारा दारोमदार दीप्ति शर्मा के कंधों पर था। आखिरी ओवर करने आए स्पिनर एशले गार्डनर पहले तो 2 गेंदों पर दीप्ति शर्मा ने 2-2 रन लेकर 4 रन बटोर लिए, लेकिन फिर तीसरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया और फिर चौथी गेंद पर राधा यादव आउट हो गई। अब 2 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी जिसे भारत हासिल नहीं कर पाई।
और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने मैच को 5 रनों से अपने नाम कर लिया है और भारतीय टीम का वर्ल्ड कप जीतने का सपना एक बार फिर खत्म हो गया है। तो दोस्तों आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, कमेंट करके जरूर बताइएगा।